जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो दलितों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदि है। हम अम्बेडकर वादी है, संघर्षों के आदि है। बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। निकलो बाहर मकानों से। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत देश आजादी के लिए करहा रहा था। भारत देश का बच्चा बच्चा, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग आजादी के लिए चीत्कार कर रहे थे। सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस भारत देश पर कुर्बान हो गए। आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। लेकिन उस वक्त भी भारत देश में ऐसे अनेकों लोग थे जो इन क्रांतिकारियों की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, जो इन क्रांतिकारियों की विचारधारा को समर्थन नहीं करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उनमें से मुख्य हैं। ऐसा ही आज हमारे समाज में हो रहा है, बहुजन समाज में हो रहा है। बहुजन समाज क्रांति मांग रहा है। बहुत समय पहले बौद्धों की हत्या कर दी गई, इतिहास को नष्ट कर दिया गया। भारत देश की धरती आज भी, भारत देश की जमीन में ऐसे ऐसे अवशेष छिपे हुए हैं, ऐसे ऐसे इतिहास छिपे हुए हैं जो बौद्ध संस्कृति को यहां पर भारत देश में होने की गवाही देते हैं। लेकिन आज भी बुद्धिस्ट लोग आगे नहीं आते। क्यों नहीं आगे आते? क्योंकि मरने से सबको डर लगता है। क्रांति करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। आज बहुजन समाज को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो बहुजन समाज के लिए क्रांति करें, जो तीसरी आजादी की ललकार करें, जो अपना हक मांगे, अधिकार मांगे, जो संविधान को बचाने के लिए मैदान में उतर जाए, जो आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ले, जो नीला कफन सर पर बांध ले। ऐसे लोगों की जरूरत है आज बहुजन समाज को। मेरी सांसों में बहुजन समाज का हर एक वासिंदा बसता है। लेकिन बुद्धिजीवी, ज्ञानवर्धक कैप्सूल बुद्धिजीवी आज भी हमारी विचारधारा को समर्थन नहीं करते। बहन कुमारी मायावती हर एक बहुजन समाज के हर एक सदस्य का अभिमान है, स्वाभिमान है। आज एक फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के माध्यम से बहन कुमारी मायावती का अपमान किया जा रहा है। लेकिन आवाज कौन उठा रहा है? जिनके दिल में लगी है, जो मानते हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी, ज्ञानवर्धक कैप्सूल तो अभी भी ज्ञान बांटने में लगे होंगे। बहन जी का आदेश नहीं आया, अभी भी ज्ञान बांटने में लगे होंगे। ये फिल्म बहन जी पर नहीं बनी हुई, इस फिल्म का ट्रेलर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आज भी अपने स्वाभिमान के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते ना, तो घरों में घुसकर जब बेइज्जती की जाएगी, इज्जत लूटी जाएगी, तब निकल करके सामने आएंगे। फिर कहेंगे कोई एक थप्पड़ एक दूसरे गाल पर, एक गाल पर मार दे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, वो गांधीवादी लोग हैं, वो गांधी के हरिजन हैं। हरिजन बनने से अच्छा है क्रांतिकारी बनकर जिए या मर जाए, वरना कोई फायदा नहीं इस जिंदगी का। जीना है तो सर उठाकर जिए, मरना है तो सिर उठाकर मरिए। जलालत की जिंदगी जीने से अच्छा यह है कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। अगर आप वास्तव में स्वाभिमान को, सम्मान को बचाना चाहते हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म का विरोध कीजिए। जय भीम, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।